हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। और इसमें हम देखेंगे SHA, जो कि होता है सिक्योर हैश एल्गोरिदम के बारे में। सो इट इज़ एन मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मैसेज डाइजेस्ट, जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किया है। ये भी हैश के लिए यूज़ होता है। मैसेज डाइजेस्ट में हमने देखा था कि जो आउटपुट है वो कितना था, 128 बिट्स का। यहाँ पर जो आउटपुट होता है वो होता है 160 बिट्स का। सो सेम है बिल्कुल जो आपने देखा था मैसेज डाइजेस्ट के केस में, बस डिफरेंस कहाँ पे आ गया, जो नंबर ऑफ बिट्स का आउटपुट है वहाँ पे 128 थी तो यहाँ पे 160 है। नाउ देर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैसेज डाइजेस्ट। अब देखो, इसमें जो SHA बनाया गया था वो कुछ इस तरह से बनाया गया था कि ये जो दो चीज़ें मैं यहाँ पर लिखूँगा वो कभी भी फिजिबल ना हो। सबसे पहली बात तो है, अगर आपके पास मैसेज डाइजेस्ट है और वी कैन से जनरेटिंग ओरिजिनल मैसेज फ्रॉम सिंपल, अगर मैं लिख देता हूँ डाइजेस्ट, एंड सेकेंड इज फाइंडिंग द टू मैसेजेस डेट जनरेट द सेम डाइजेस्ट। अब ये चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं हैशिंग के टाइम पे, कि जो भी हैशिंग फंक्शन होता है या मैसेज डाइजेस्ट है उसमें हम इन चीज़ों को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि ये दो प्रॉपर्टीज़ इनफिजिबल होनी चाहिए, ये कभी भी अचीव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ सिक्योर हैश एल्गोरिदम। सो इट इज़ डेवलप्ड बाई NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी ने इसको डिज़ाइन किया था, NIST ने। सो एंड इट इज़ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मैसेज डाइजेस्ट। सो नाउ लेट अस सी हाउ द वर्किंग ऑफ SHA गोज। अब देखो, क्योंकि मैसेज डाइजेस्ट 5 के ही ऊपर SHA बना है, सो जो इसकी वर्किंग है वो एग्जैक्टली सेम होती है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा जो चीज़ें सेम हैं। सबसे पहली बात तो पैडिंग, सो इन दिस ऑल्सो द पैडिंग इज़ डन। हम पैडिंग ऐड करते हैं, और किस तरह से ऐड करते हैं कि जो टोटल लेंथ है वो 64 बिट लेस रहे एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 512 से। सो 64 बिट लेस देन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 512। सो जो यूज़र्स या जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली ये वाला वीडियो दे रख रहे हैं वो इसे प्रीवियस वीडियो जो कि मैसेज डाइजेस्ट 5 के ऊपर है उसको भी देखेंगे, ताकि आप इसकी वर्किंग को इजीली एक्सप्लेन या फिर अंडरस्टैंड कर सको। देन द सेकंड इज़ अपेंडिंग द लेंथ, जस्ट लाइक इन MD5 बिल्कुल सेम होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, वी डिवाइड द इनपुट इनटू 512 बिट ब्लॉक्स। सो अभी तक एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं आया है। सो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ, इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज MD5 अप टिल नाउ। सो ये तीन स्टेप्स तो बिल्कुल सेम है। अब देखो, डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस आता है चेनिंग वेरिएबल्स में। वहाँ पे हमारे पास 4 चेनिंग वेरिएबल्स थे, क्यों, क्योंकि हमें 128 बिट का आउटपुट चाहिए था। यहाँ पे हमारे पास कितने होंगे, 5 चेनिंग वेरिएबल्स, 5 चेनिंग वेरिएबल्स जिनको हम बोलते हैं A, B, C, D एंड E। सो 5 चेनिंग वेरिएबल्स हैं क्योंकि हमें 160 बिट का आउटपुट चाहिए। सो जो एक डिफरेंस आया है MD5 से वो तो यहीं पे आ गया कि यहाँ पे 5 चेनिंग वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। देन इसके बाद कौन सा स्टेप होता है, इसके बाद होता है प्रोसेस ब्लॉक्स, दैट इज़ द 5th स्टेप एंड द फाइनल स्टेप। सो प्रोसेसिंग ऑफ द ब्लॉक्स इज़ डन। उसमें भी वही है एग्जैक्टली सेम, कि आपको चेनिंग वेरिएबल्स को कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स में कॉपी करना है। स्मॉल लेटर्स होते हैं जो A से लेके E तक। देन 512 बिट के ब्लॉक को 16 सब ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करना है, ईच 32 बिट्स के। देन SHA के अंदर अब 4 राउंड्स होते हैं और हर राउंड के 20 स्टेप्स होते हैं। सो प्रोसेस ब्लॉक्स
का भी एग्जैक्टली सेम है जैसे MD5 का था। सो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ प्रोसेस ब्लॉक को, तो पहला स्टेप तो क्या है, कॉपी ऑफ चेनिंग वेरिएबल्स। सेकेंड इज 512 बिट को कितने में डिवाइड करना है, 16 सब ब्लॉक्स में। हर ब्लॉक का साइज़ कितना होगा, 32 बिट का। एंड द थर्ड इज़ अप्लाई 4 राउंड्स, और हर राउंड के इसमें 20 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सो उसके बाद आपको हैश मिल जाएगा जो कि आपका एक रिक्वायरमेंट है हैश का। अब जो इसके 20 राउंड्स हैं उनको मैं डिटेल में नहीं स्टडी करवा रहा हूँ आपको इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर, बिकॉज दैट गोज़ बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉलेज एग्ज़ाम्स। सो मैथमेटिकली अगर आप इसका एक क्वेश्चन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, बट अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप इतना भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आप इन सब के डायग्राम्स बना सकते हो और इन सब के डायग्राम्स आप मेरे MD5 वाले वीडियोस से स्टडी कर सकते हो। सो जो इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, वो कुछ इस तरह से, ABCDE इज इक्वल्स टू ई प्लस प्रोसेस पी प्लस एस टू द पावर 5 ए प्लस डब्ल्यू टी प्लस के टी। देर आर सम कॉन्स्टेंट इन दिस ऑल्सो, जैसे वहाँ पे कॉन्स्टेंट थे ऐसे यहाँ पे भी हैं। इसके बाद होता है इसमें ए कॉमा एस टू द पावर 30, बी सी कॉमा डी। सो ये इसकी पूरी इक्वेशन है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इसको याद रखो। अब इस पूरी इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं उसका पूरा का पूरा एक डायग्राम है। अगर आप फर्दर आगे स्टडी करना चाहते हो SHA को तो आप उसको बुक्स में से स्टडी कर सकते हो, बट फॉर द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इवन इन योर BTech पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज सफिशियंट। सो दिस इज सिक्योर हैश एल्गोरिदम। बेसिक बेसिक से बहुत छोटे से डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो यहाँ पे 5 चेनिंग वेरिएबल्स हो गया और हर राउंड के अंदर 20 स्टेप्स हो गए ताकि हमें 160 बिट का आउटपुट मिल सके। सो नाउ लेट वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन MD5 एंड SHA, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमिस्टर एग्जाम्स। सो दिस इज़ द कंपेरिजन बिटवीन MD5 एंड SHA। इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको ज़रूर याद करके जाइएगा एग्ज़ाम्स में जाने से पहले। सो कुछ डिफरेंस तो आपको पीछे जब वर्किंग देखा तब भी समझ में आ गए होंगे। सो देखो सबसे पहली बात तो जो लेंथ होती है MD5 में 128 होती है, SHA में 160 होती है, तो हमें पता लगी गया। नाउ अटैक टू फाइंड द ओरिजिनल मैसेज। अब इसमें अटैक करने के लिए सीधी सी बात है, जितने बिट है उतने आपको ऑपरेशंस चलाने पड़ेंगे, यानी इसमें 2 to the power 128 ऑपरेशंस हमें रन करने पड़ते हैं टू ब्रेक इन, और यहाँ पे कितने चाहिए होते हैं 2 to the power 160 ऑपरेशंस। सो सीधी सी बात है, विच इज़ मोर हार्डर टू ब्रेक, SHA। नाउ एन अटैक टू फाइंड 2 मैसेजेस विद सेम मैसेज डाइजेस्ट। सो अगेन इसमें हमें कितने करने पड़ते हैं, 2 to the power 64 ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। इसमें सीधा हाफ कर दिया है 128 को, और यहाँ पे 2 to the power 80 ऑपरेशंस। सो ऐसा भी नहीं है कि आपको याद ही रखना पड़ेगा, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगेन ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अब बात आती है सक्सेसफुल अटैक्स की। ये तो एक फैक्ट है जो रिसर्च और स्टडी से पता किया गया है कि देर आर सम रिपोर्टेड इंसिडेंट्स ऑफ ब्रेकिंग, सम रिपोर्टेड इंसिडेंट्स ऑफ MD5 ब्रेक, कि कुछ इंसिडेंट्स हैं जो रिपोर्ट हुए, बट SHA का ब्रेक होने का नो सच क्लेम सो फार, ठीक है। देन वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड। सो स्पीड इज़ फास्टर क्योंकि इसमें जो आपके पास साइज़ है वो थोड़ा कम होता है, 128 बिट का है। इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है सिंपली बिकॉज द नंबर ऑफ बिट्स आर मोर। सो आप कह सकते हो दैट MD5 इज़ फास्टर बट SHA इज़ मोर सिक्योर। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेज ऑफ द कंपेरिजन बिटवीन MD5 एंड SHA।
So now this concludes the topic of SHA and MD5. So this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.